सर, इस बच्चे को संभाल पाना मेरे बस की बात नहीं है। ना तो ये ठीक से खाता है ना सोता है। देखिए, इस बच्चे का यहाँ पहला दिन है, इसे एडजस्ट होने के लिए कुछ तो टाइम दीजिए। ये बड़े घर का बच्चा है और ऐसे क्लाइंट को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। कुछ तो ध्यान देना ही पड़ेगा ना। मैं कल जी से ध्यान रखेंगी ना बच्चे का साहब। एक बेबी सिटर की आवश्यकता है जिसे बच्चा संभालने का तजुर्बा हो। आप? ओ, मिया। तू तो पड़े? What? काशी भाई, तू ही पड़े, नाम है मेरा। वो आपने अखबार में नैनी का एड डाला था ना, आपको आया चाहिए ना नौकरी के लिए, आपके इधर उसी के लिए आई है मैं। ओ। ये बच्चा है? आजा मेरे पास, बिल्लू आजा। ओए, कैसा है तू? कैसा है तू? हाँ, हाँ, देखा ना साहब, आप मेरे पास आते ही कैसे चुप हो गया? अच्छा, आप पार्टी के बारे में? मैं लेके आती हूँ बॉटल। हाँ। अरे, ये बच्चा तो आपकी गोद में एकदम चुप हो गया, कितना खुश हो रहा है। आपकी नौकरी अभी से पक्की। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं एसीपी मल्हारानी, इस बच्चे का पिता। ओह, आइए आइए आइए, स्वागत है। क्या लेंगे आप, ठंडा गरम? नहीं नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया। मैं बस देखने आया था कि मेरे बच्चे की देखभाल अच्छे से हो रही है या नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए साहब, हमारे डे केयर सेंटर के अंदर आपके बेटे मोक्ष का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और यही है हमारी आया, जो मोक्ष का पूरा ख्याल रख रही है। देखिए ना, इनकी गोद में आकर मोक्ष कितना खुश है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, अब मेरे बच्चे की भलाई के लिए। श्योर श्योर। अनुप्रिया जी, ये लीजिए आपके किताबों की जेरोक्स कॉपी। अतुल, ने आपकी किताबें ले ली, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप पढ़ाई नहीं करेंगी, और मेरे होते हुए ये अन्याय नहीं हो सकता। थैंक यू। अनुप्रिया, कहाँ चली गई? वैसे आपका ये पढ़ाई का जज्बा देखकर मैं काफी इंस्पायर हूँ, सोच रहा हूँ कि पीएचडी कर लूँ। सच? वैसे ये पढ़ाई का महत्व कल्याणी ने ही बताया मुझे। ओ? हाँ, वही तो कहती रहती है कि आजकल के जमाने में औरतों को स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। सही बात है। अनुप्रिया, अतुल आ रहा है, अतुल आ रहा है, खोज कीजिए सार्थक जी। चुप जाइए। अनुप्रिया चुप चुप जाइए, अलर्ट हो जाएगा। अनुप्रिया, यहाँ चुप है, यहाँ चुप जाइए, आइए। अनुप्रिया, तुम ये आवाज कैसे थी? वो कलसी कूद गई। कलसी कूद गई? अपने आप कलसी गिर गई। वो गाय के लिए पानी लेने आई थी ना, तो कलसी गिर गई है। तुम बार बार पावड़ी के अंदर क्यों झांक रही हो? कोई खजाना छुपा है क्या वहां पे? तो वो सब छोड़ो और अंदर चलो, औषध बुला रही है, उनके पीठ में दर्द है। दो दो मिनट में आई। ठीक है, वो मैंने राष्ट्रगीत शुरू होने वाला है क्या? अच्छा, वो छोड़ो, जल्दी आ जाओ। और हाँ, वर्कशॉप में जाकर वहीं की मत हो जाना, जल्दी आ जाना। वो मैं निकालती हूँ, मैं निकालती हूँ, लो करिए।
सार्थक जी, सार्थक जी आ जाइए, सार्थक जी, सार्थक जी, सार्थक जी। अरे हाँ, 52 सेकंड तक मैं अपनी सांस रोके बैठा था, कॉलेज के दिन याद आ गए। दरअसल उस वक्त हम शर्त लगाया करते थे कि सांस कितनी देर तक रोकी जा सकती है। 100-200 सेकंड तो आम बात थी, बहुत मजा आता था। सार्थक जी आप भी कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। अनुप्रिया जी, बड़ा होना कोई बड़ी बात थोड़ी ना होता है। दरअसल बड़प्पन इस बात में है कि आप अपने अंदर के बच्चे को कब तक संभाल सकते हैं। खैर अब मैं यहां से जाता हूं, नहीं तो अतुल वापस आ गया तो मेरे को वापस से डुबकी लगानी पड़ेगी। अनुप्रिया जी, सब कुछ आपके हाथ में ही है गणपति बप्पा, प्लीज मल्हार जी के सामने पोल खुलने से बचा लो प्लीज। आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। देखिए ये वर्दी देख के घबराइए मत, मैं बस 2-4 सवाल ही पूछूंगा। क्या हुआ? क्या है ना साहब, जब भी अपने को कोई प्रश्न पूछता है ना तो अपने सिर पे ना बहुत वजन गिरता है और ना टेंशन के मारे अपन इधर उधर चलने को पड़ता है। अब बचपन की आदत है साहब। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाम क्या बताया आपने मुझे? बताया ही कहाँ। हाँ तो बता दीजिए। नाम तो ही पड़े, सुना नहीं होगा ना आपने पहले। अपना नाम काशीपाल दोपड़े। और कहाँ की रहने वाली हैं? नहीं सोचा ही नहीं। एले अमरीका वाला एले? एले ना कुछ साहब, कैसी बातें करते हैं। एले नहीं लातूर, अपने यहाँ ना लातूर को एले बोलते हैं। अच्छा क्या बात है, बच्चा सो गया आपकी गोद में, रख दीजिए उसे। सो गया, सुलाते थे। काशी भाई ये बताइए कि घर में कौन कौन है आपके? मरु थे साहेब। मर गए? मरा थे ना साहेब, मरा थे। बहुत बहुत दारू पीता है साहेब, बहुत दारू पीता है। और अपने 4 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी बहुत पीते हैं। बच्चे भी पीते हैं? नको दारू नहीं तो दूध खाए। पर तुम ही साहेब अब ऐसे 4 छोटे बच्चों का पेट पालने को ही तो अपन नौकरी ढूंढने को आई। सही बात है। क्या जरूरत है आई? अब इसे उतारना माता, जरूर तुम्हें किसी की नजर लग गई है। अब ये काला धागा तुम्हें पूरी नजर से बचाएगा, देखना। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कल्याणी ही ऐसी कोई करामात करेगी। अच्छा साहब,
आपके सवाल जवाब हो गए, प्लीज आओ। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, थक गए होंगे ना आप तो, बैठिए ना थोड़ी देर। वैसे मोक्ष बड़ा खुश है आपकी गोद में, इतना खुश तो वो कल्याणी की गोद में भी नहीं होता। अब कल्याणी मेरी पत्नी, वो भी ठीक ठाक संभाल ही लेती है बस, लेकिन आप में जो बात है वो कल्याणी में कहां। हाउ रूड मल्हार जी, आप मेरी कंपैरिजन किसी औरत के साथ कैसे कर सकते हैं। वैसे काशी भाई एक बात बताइए, आप मुस्कुराती नहीं है क्या? क्या बात है, क्या मुस्कुराहट है आपकी, मजा आ गया। और ये काले घने लंबे बाल देखे नहीं मैंने कभी, और ये जो मस्सा, माशाल्लाह। ये हो क्या गया है मल्हार जी को, ऐसे कैसे किसी भी औरत के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं? कैसी बातें करते रे साहेब, आपकी पत्नी को पता चलेगा तो क्या सोचेगी? पता चलेगा तब ना काशी जी, यहाँ तो मैं हूँ, तुम हो, मौका भी है, मौसम भी है, हर दस्तूर भी। कॉफी पीने चलेंगे मेरे साथ? कॉफी 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 पीनी है आपको जी, आपके साथ कॉफी पीनी है आपको मल्हार जी, कॉफी पीनी है आपको, तभी मैं सोचूं कि आजकल चुप चुप के फोन पे बातें किससे करते हैं आप, घर के बाहर ये सब चल रहा है, आप ऐसे निकलेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था मल्हार जी, सोचा नहीं था। कल्याणी माफ कर दो, भगवान के लिए माफ कर दो, भगवान की सौगंध किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। कल्याणी छेड़ोगे कैसे, आपको जिंदा थोड़ी ना छोड़ने वाली हूं मैं, आज तो आप गए। कल्याणी किस सोच में पड़ गई काशी, कॉफी अब किसी भी पल कल्याणी के गुस्से का बॉम्ब फटने वाला है। कॉफी वॉफी रखो ना साहेब, राव देता हम, वैसे भी हमको ना कॉफी ज्यादा जमता नहीं है। अच्छा तो इतनी आसानी से हार भी नहीं मानेगी, मन तो कर रहा है कि अभी ये खींच के नकली बाल निकाल दूं, लेकिन बाहर वालों के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहता। तमाशा तो आपने बना के रखा है मल्हार जी, घर पे तो हमेशा एंग्री यंग मैन बने फिरते, और घर से बाहर निकलते ही रोमांटिक हीरो बन के पराई औरतों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं ना। तुम चाहे जितनी गालियां दे लो मुझे कल्याणी, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह कॉलेज तो बंक करने नहीं दूंगा। मैनेजर जी। सर कैसी लगी आपको हमारी आया? कैसी लगी, मुझे लगता है इन्हें छोटे छोटे बच्चे संभालने के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बच्चा इस डे केयर में रखूं, तो इन्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल दीजिए। हद है मल्हार जी, आज तो आप एक के बाद एक शौक दे रहे हैं मुझे, आप उस टाइप के आदमी निकलेंगे मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैंने आपके साथ कॉफी पीने जाने के लिए मना कर दिया तो आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया। काय को ऐसा करता है साहब, अब अगर आप मेरे को नौकरी पे नहीं रखेंगे तो मेरे छोटे छोटे बच्चे उनको उनका पेट कहीं से पालेगी मैं, ऐसा ना को करो। सुना आपने मैंने क्या कहा, इन्हें अभी के अभी यहाँ से निकाल दीजिए, और हाँ दूसरी जो भी आया रखे उसे पहले मुझसे मिलवाइएगा। जी देखिए, आई एम सॉरी, मैं इतने बड़े आदमी के खिलाफ तो जा नहीं सकता, आप कहीं और जाके अपनी नौकरी ढूंढ लीजिए प्लीज। साहब नहीं क्या बोलते, मुझे ना चुपके से नौकरी पे रख लो आप। हाँ यशी भी साहब को कुछ पता नहीं चलेगा,
मैं बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेगी, बच्चा मेरे पास बहुत खुश भी है। देखिए भाई, मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता। साहब मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है साहब, मेरे लिए ना सिर्फ उस बच्चे के लिए मुझे नौकरी पे रख दो, मैं उसे अच्छे से संभालूंगी साहब। अजीब मुसीबत है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें काम पे रखता हूँ, लेकिन जब मल्ला साहब आएंगे तब तुम्हें छुप जाना होगा, ठीक है? थैंक यू। न जाने क्या चल रहा है, मुझे लगा मैं मल्हार को कल्याणी की पढ़ाई के पीछे लगा दूंगा, आपस में एक दूसरे को पढ़ाते लिखाते रहेंगे, मैं इस बीच में मुग्धा को ठिकाने लगा दूंगा, और मल्हार तो मेरे पीछे हाथों कर पड़ गया यार। शांत हो जाओ, क्यों इतना गुस्सा? मैं ऐसे शांत हो ही नहीं सकता, मेरे को एक ही रास्ता नजर आ रहा है, जहाज पकड़ो, इंटरनेशनल बार बार निकलेंगे, अभी मेरे को औरंगाबाद में नहीं रहना। नहीं, अथर, ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें पता है ना, मल्हार की परमिशन के बिना हम मोक्ष को बाहर नहीं ले जा सकते, ये कौन का भी ऑर्डर है? संपू, तो मैं क्या करूं? अपने बच्चे को अपने पास रखो, सर पे बिठा के रखो, नाचो उसके साथ, लेकिन जब मुग्धा का केस बाहर आएगा ना, तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर ऐसे चक्की पीसने वाला, पत्थर तोड़ने वाला नहीं हूँ जेल में, मैं निकल जाऊंगा। शांत हो जाओ, प्लीज प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देखो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, और उस मल्हार को भी सबक सिखाएंगे। तुम ध्यान मत दो, और तुम्हारा गुस्सा कैसे कम करना है ये मुझे अच्छी तरीके से आता है। हे संपो, ये अथर जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा था? कुछ नहीं, आई होते रहता है, लेकिन अब देखा ना, शांत हो गया ना। बेशरम कहेगी, क्या कर रही हो आई? अरे मर्दों को अपने मुट्ठी में रखना खूब आता है तुझे, तभी तो मल्हार को तू अपने पल्लू से बांध के रखती थी, और अब अथर्व को भी। एक मर्द की जरूरत उसकी पत्नी नहीं पूरा कर पाएगी, तो वो मर्द अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घर के बाहर जाएगा ही ना, और अथर्व के मामले में तुम्हें ये होने ही नहीं दूंगी। अच्छा, अब समझी कि मल्हार जी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, इस शादी में उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, इसीलिए चुप चुप के फोन पे बातें कर रहे हैं, आया भाई तक को भी नहीं छोड़ा। नहीं, मैं मल्हार जी को इस तरह खुद से दूर नहीं होने दूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे इस इरिटेटिंग संपदा से क्यों ना सीख लेनी पड़े। सौरभ, तुम चार्जशीट बनाते हो, कविता लिखते हो, ठीक से चार्जशीट बनाया करो, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में किसी दिन कमिश्नर से मुझे सुनना पड़ेगा। ऑर्डर टू डिस्प्ले द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई। कॉलेज गई थी? हाँ। क्लास अटेंड करी या बंक मार के आ गई हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप मल्हार जी, मैं पहले ऐसी थी। अरे आज तो मैं सारी क्लासेस अटेंड करके आई हूँ। हाँ, आज मैं क्लास में सबसे पहले गई और सबसे लास्ट निकल के आई हूँ, तभी तो घर इतना लेट आए मैं। अच्छा, हाँ, इतनी कैसे बदल गई तुम कल्याणी? देखो, तुम्हें मोक्ष की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मल्हार जी, मैं तो अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा रही। अच्छा, वैसे गया था मैं आज मोक्ष के डे केयर। अच्छा, आप गए थे? ओह नाइस। कैसा है? अच्छा है, दो आया मिली थी मुझे, एक तो बहुत ही वाहियात थी कल्याणी, निकलवा दिया मैंने उसको, एक बहुत अच्छी थी। होगी ना, कॉफी पे जाने को तैयार छो गई होगी। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, बस ये समझ में नहीं आ रहा था। हाँ,
मल्हार जी ये लीजिए, आप थक गए होंगे ना, तो जाइए नहा लीजिए। माँ हो तुम मेरी? माँ हो तुम मेरी? नहीं ना, तो फिर क्यों तुम्हारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करूं मैं? और मेरा नहाने के टाइम हो रहा है ना, इस वक्त नहाता ही हूँ मैं, तुम क्या बता रही हो मुझे? मैं नहाने ही जा रहा था मैं। हाँ नहीं, मैं बस कह रही थी कि अब चाहिए और थोड़ा टाइम लेके नहाना आज। टाइम लेके नहाना मतलब क्या? कहना क्या चाहती हो तुम? मैं रोज गंदे से नहाता हूँ, जो आज अच्छे से नहाऊं? नहीं नहीं मल्हार जी, मेरा वो मतलब नहीं। कल्याणी तुम और तुम्हारे मतलब ना, पढ़ाई पढ़ाई कर, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। आज जितना गुस्सा करना है ना कर लीजिए मल्हार जी, क्योंकि आज रात के बाद आपका मूड हमेशा अच्छा रहने वाला है।